परफेक्ट पॉइंट पे एंट्री लेना उन लोगों के लिए टफ हो सकता है जिनको मार्केट समझ में नहीं आता है। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो सही जगह पे बाय सेल करना, अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं तो सही जगह पे बाय करना और सही जगह पे जाके सेल करना, इसमें आपको प्रॉब्लम आती होगी। लेकिन अगर आप एक बार मार्केट को समझ जाते हैं कि मार्केट कैसे वर्क करता है, तो मैं डेफिनेटली गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आप सही जगह पे एंट्री लेना सीख जाएंगे और तगड़ा पैसा बना पाएंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ही सिंपल मेथड बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप ये सब चीजें सीख सकते हैं, कहां पे एंट्री लेना है, कहां पे सेल करना है, सारी चीजें। अगर आप बिगिनर भी है ना तो भी सीख जाएंगे। और ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत वाइडर टॉपिक है, इस पे बहुत सारे वीडियो बनाए जा सकते हैं। मैंने पहले भी वीडियो बनाए हुए हैं और आगे भी वीडियो बना दूंगा अगर आप चाहेंगे तो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ऐसे नहीं कि एक वीडियो में सारी चीजें सिखा दी जाए, बहुत लंबा वीडियो जाएगा। जो मैंने 3 साल में एक्सपीरियंस लिया है वो एक्सपीरियंस एक वीडियो में नहीं आ सकता है। तो मैं आपको जो भी चीजें बताऊं वो सीखो और उनको अप्लाई करो और अच्छा प्रॉफिट बनाओ। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करा है, पहले पार्ट में चलते हैं। देखो यहां पे क्या होता है, मेजोरिटी लोग मार्केट में ऐसे ही तुक्के में एंट्री लेने लग रहे होते हैं। वो क्या करेंगे, जहां पे मार्केट दिख गया वहां पे एंट्री बनाने लग जाते हैं। वो सोचते हैं हमको आता ना, हम ही भगवान है, एंट्री लेते हैं, थोड़े टाइम बाद पता लगता है कि उनकी एंट्री गलत चली गई, लॉस लग गया या लिक्विडेट हो गए। फिर बाद में समझ में आता है कि यार मार्केट तो अलग ही तरीके से चलता है। आपको इतना समझ में नहीं आता कि मार्केट है ना, वहां पे आपका खुद से कंपटीशन नहीं है, लाखों करोड़ों लोगों से आपका कंपटीशन है, डायरेक्ट कंपटीशन जो आपको दिखता भी नहीं है। और सबसे बड़ा कंपटीशन आपका है वेल्थ से, जिनके पास इतना पैसा होता है कि वो आपके मुंह को डिफीट कर सकते हैं। अगर आपका मुंह सही भी होगा ना, उसको भी डिफीट कर सकते हैं, इतना पैसा उनके पास। लेकिन क्या हो अगर आप वेल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करने लग जाओ, तो आप बहुत ही तगड़ा प्रॉफिट बना सकते हो। जैसे जैसे वो मुंह ले वैसे वैसे आप भी मुंह लेने लग जाओ, तो बहुत तगड़ा पैसा बनता है। और ये कैसे किया जाता है, देखो इस तरीके से मत किया करो कि जैसे मार्केट मान लो 2 जोन है यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसके बीच में घूम रहा है, तो आप उसमें एंट्री बनाने लग रहे हैं और मन में आ रहा है वो करने लग रहे हैं। यहाँ पे तुक्के से मार्केट नहीं चलता है, आपको लेवल्स पे ट्रेड करना होता है। और भले मार्केट में आपको 2, 3, 4 अपॉर्चुनिटीज मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उतनी भी काफी रहेगी आपको प्रॉफिट लेने के लिए। ऐसे नहीं कि यहाँ पे डेली ट्रेडिंग करना होता है, डेली ट्रेडिंग करने की यहाँ पे कोई पिक्स नहीं है। बुल मार्केट की बात अलग होती है, बुल मार्केट में तो डेली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, साइकिल्स के अकॉर्डिंग करा करो ट्रेडिंग। जैसे मार्केट में अलग अलग साइकिल्स होते हैं, बुल मार्केट, बेयर मार्केट, कई बार कंसोलिडेट भी करता है मार्केट, कई बार मार्केट में वॉल्यूम भी नहीं होती है, तो हर टाइप के मार्केट के अकॉर्डिंग ट्रेड करा जाता है। ऐसे नहीं कि आप एक कॉन्सेप्ट बना लिया और उस पर चले जा रहे हैं। तो आपको इस तरीके से ट्रेड नहीं करना होता है कि आप बस डेली के डेली लगे पड़े हैं और ट्रेड करे जा रहे हैं, फिर बार बार लॉस खा रहे हैं, फिर सोच रहे हैं यार मार्केट तो मेरे लिए बना ही नहीं है। तो ऐसा नहीं करना होता है, आपको लेवल्स पे ट्रेड करना होता है। लेवल्स पे ट्रेड करिए, डेफिनेटली आपको बहुत तगड़ा प्रॉफिट होगा। आप लेवल्स पे ट्रेडिंग कैसे करते हैं वो नेक्स्ट पार्ट में सीखते हैं। देखो यहाँ पे कोई सा भी मार्केट हो, क्रिप्टो, फोरेक्स, स्टॉक, कोई सा भी मार्केट हो, सारे मार्केट लिक्विडिटी से चलते हैं। लिक्विडिटी ही मेन फैक्टर है मार्केट में इंपल्सिव मूव लाने के लिए। छोटे छोटे मूव आते हैं वो तो वेल्स कभी भी ला सकते हैं, लेकिन जो बड़े मूव होते हैं वो लिक्विडिटी के बाद ही होते हैं। तो लिक्विडिटी अगर आपको आइडेंटिफाई करना आ जाए, तो आप डेफिनेटली अच्छे अच्छे मूव कैप्चर करके पैसा बना सकते हैं। तो लिक्विडिटी को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे अगर आप बिगिनर भी है, आपको मार्केट का ज्यादा नॉलेज नहीं है, ज्यादा कुछ भी नहीं आता है, तो आप सिंपल प्राइस एक्शन से भी ये चीज सीख सकते हैं। कैसे, जैसे आप चार्ट खोलते हैं किसी भी एसेट का, तो उसमें आप जाके देखिए कि बार बार प्राइस कहाँ पे रेस्पॉन्ड कर रही है। अगर सपोज करो प्राइस बार बार नीचे जा जाके एक स्पेसिफिक लेवल पे जा जाके बाउंस कर रही है, तो वो सपोर्ट हो गया, ये वहां पे लिक्विडिटी है। और जैसे बार बार ऊपर जा जाके या टकरा के आ रहा है मार्केट, कोई स्पेसिफिक लेवल हो गया वहां से, तो वहां पे ऊपर की सेल की लिक्विडिटी है, वो रेजिस्टेंस एरिया हो गया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस से ट्रेडिंग करो, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। कोई सा भी स्पेसिफिक लेवल देख लो जहां से बार बार प्राइसेस मूव कर रही है, रेस्पॉन्ड कर रही है, वो एक लिक्विडिटी एरिया होता है। और यहाँ पे एक इंडिकेटर भी है, SMC स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, वो भी यहाँ लिक्विडिटी एरिया प्रोवाइड करा देता है। उसमें 2 जोन देखने को मिलते हैं आपको, एक तो ब्लू जोन, एक रेड जोन। ब्लू जोन तो यहाँ पे बाई का हो गया और रेड जोन सेल का हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं आप और आप खुद का दिमाग भी लगा सकते हैं। छोटी छोटी चीजें होती है, बस मार्केट को ऑब्जर्व करना होता है। ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि यहाँ ये इंपॉर्टेंट लेवल है और आपको इंपॉर्टेंट लेवल पे ही ट्रेड करना होता है। ऐसे नहीं कि बीच में मार्केट चल रहा है और वहां पे ले रहे हैं और फिर बाद में पता लग रहा है कि आपको लॉस होने लग रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। जैसे मान लो कोई इंपॉर्टेंट एरिया पे प्राइस आई, तो आपको वहां पे ले लेना होता है। और लेना भी कैसे होता है, जब रिवर्सल हो। ऐसे नहीं कि यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग नहीं हो रही है, रिवर्सल का कोई साइन नहीं है, बस घुसे जा रहे हैं। और ये ऐसी जो ट्रेड है, आपको भले 3 मिले 4 मिले या ज्यादा मिले 5-7, तो इतनी भी काफी है। आपको लॉस होने से तो बढ़िया है ना कि बार बार आप यहाँ पे ज्यादा ट्रेड लेके, इंपल्सिव ट्रेड लेके आप यहाँ पे लॉस करे जा रहे हैं, और आप गिनी चुनी क्वालिटी ट्रेड लेके अच्छा प्रॉफिट बनाए, वो अच्छी बात है ना।
और बुल मार्केट में तो वो अलग बात है, बुल मार्केट में तो आप तगड़ा तगड़ा प्रॉफिट बनाओगे धड़ाधड़ धड़ाधड़, और यहाँ पे जो आपकी एंट्रीज होगी उनका भी प्रॉफिट मिलेगा आपको, तो ये अलग बात है। यहाँ पे बात ट्रेडिंग की हो रही है, तो ट्रेडिंग में आपको क्या करना है, लेवल पे ट्रेड करना है, और लेवल कोई से भी हो सकता है, जैसे किसी पैटर्न के लेवल भी हो सकते हैं, लोअर ट्रेंड लाइन, अपर ट्रेंड लाइन, और यहाँ पे आप एरिया ऑफ कॉन्फिडेंस की बात कर सकते हैं, वो एरिया जहाँ पे मेजोरिटी लोगों की आंखें होती है कि यहाँ से बाई करे सेल करे, वो एरिया भी पकड़ सकते हैं आप। तो ये छोटी छोटी चीजें पकड़ के लिक्विडिटी को ग्रेप करके आप भी वेल्स के साथ यहाँ पे मूव कैप्चर कर सकते हैं, और मैं डेफिनेटली गारंटी के साथ बोल सकता हूँ वही आदमी पैसा कमाएगा जो वेल्स के साथ ही चलेगा, और जो वेल्स के अगेंस्ट चलेगा तो उसके पैसे लूज होंगे होंगे, क्योंकि इतने पैसे नहीं है अपने पास कि अपन वेल्स को टक्कर दे दें। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज है, मार्केट लिक्विडिटी से चलता है, लिक्विडिटी को ग्रेप करो, आइडेंटिफाई करो, सिंपल सा प्राइस एक्शन आना चाहिए, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बार बार ऐसे ऐसे लेवल पे जहाँ पे प्राइस जा जाके आ रही है वहां पे लिक्विडिटी होती है, इसलिए तो जा जाके आ रही है। और एक चीज आप ये भी ध्यान में रखना, जो ये लिक्विडिटी एरिया होते हैं ना, उन एरिया पे प्राइसेस कभी रुकती नहीं है, जैसे ही जाती है वहां पे इमीडिएट एक्शन देखने को मिलता है आपको। तो आपको क्या करना है, ऐसी एंट्रीज को यहाँ पे कैप्चर करने के लिए, बोले तो स्नाइपर एंट्री लेने के लिए, आपको मार्केट में एक्टिव रहना पड़ेगा, फोकस बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा और खुद को काम डाउन रखना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो, कैप्चर करने के बाद भी कई बार क्या होता है कि आप प्रॉफिट नहीं ले पाते हैं, उसका मैं आपको एक बोनस पॉइंट देके जाता हूँ, उसको भी ध्यान में रखना। जैसे आप क्या करते हैं, कई बार ले लेते हैं सही पॉइंट पे, लेने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट होता है उसको बेच देते हैं, फिर बाद में जब वो भयंकर पंप हो जाता है, या फिर आप सेल के लिए रखे थे वो भयंकर नीचे आ जाता है, उसके बाद आप सोचते हो कि यार मेरे को तगड़ा प्रॉफिट होता अगर मैं रुक जाता था। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखना है, इमोशंस पे आपको मास्टरी हासिल करनी है। इमोशंस ही एक ऐसी चीज है जो आपको प्रॉफिट लेने नहीं देते हैं। आप है ना, जब आपको लॉस लगने लग रहा होता है तब तो आप कितना अच्छा तरीके से बैठ जाते हैं, बैठे रहते हैं, लॉस लगे जाता है, और जब आपको प्रॉफिट होने लग रहा होता है और आपकी एंट्री भी सही होती है, सही लेवल पे होती है, तो आपको खुद पे कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होता है, आपको रुकना आना चाहिए ना। ये हमेशा होता है कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल होता है, वो बोले तो लिक्विडिटी वाला एरिया होता है, तो वहां पे मार्केट में हलचल जरूर होती है, वो डराते हैं जानबूझ के ताकि लोग यहाँ पे निकल जाए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है, ऐसे लेके चलना है, ऐसे ऐसे भी नहीं कि क्लोज ही लगा लो कि वो फट से उसको हिट कराते, ऐसे नहीं, आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, ऐसे थोड़ी कि यहाँ पे हवाबाजी में चीजें हो जाएंगी। यहाँ पे आप जो रिस्क ले रहे हैं, जो मिडिल जोन में जाके रिस्क ले रहे हैं, उससे तो बेस्ट ही है ना कि आप एग्जैक्ट लेवल पे जाके एंट्री लेके वहां पे रिस्क लेने लग रहे हैं। और यहाँ पे हो सकता है कई बार वो लेवल भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि कई बार सडन मूव आ जाते हैं और यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस या लिक्विडिटी एरिया को फचाड़ के चले जाते हो, तो वो कई बार ही होगा, बार बार वैसी चीजें नहीं होती है, मार्केट उसी तरीके चलती है, लिक्विडिटी लेती है, लिक्विडिटी लेने के बाद ही मूव आते हैं, तो आपको उसी तरीके से ट्रेड करना है। और लॉस तो यार पार्ट ऑफ लाइफ है, यहाँ पे लॉस भी लगेंगे, प्रॉफिट भी होगा, लेकिन आपको यहाँ पे जो नंबर है ना, जैसे कि आप 10 में से 8 ट्रेड या 7 ट्रेड सही ले पा रहे हैं, वो आपका मैटर करता है, तो उस पर आपको काम करना है। ऐसे नहीं कि आपका उल्टा सीन है यहाँ पे कि 10 में से 2 या 3 ट्रेड सही जा रही है और 7 ट्रेड गलत जा रही है, तो उस चीज को एलिमिनेट करो और सही तरीके से यहाँ पे परफेक्ट पॉइंट पे एंट्री लो, परफेक्ट पॉइंट पे सेल करो। और वो कैसे करना है मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया हूँ लिक्विडिटी पॉइंट को आइडेंटिफाई करके। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी चीजें आपको सिखाऊं इस टॉपिक के रिलेटेड, तो मैं आपको बहुत सारी चीजें और बता सकता हूँ, प्रैक्टिकली करके बता सकता हूँ, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो नीचे कमेंट कर देना, और इस वीडियो में आपको जरा सा भी नॉलेज मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।